टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग किसी भी पर्पस के लिए या किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, ऑब्जर्वेशन को देने के लिए और फिजिबिलिटी रिपोर्ट देने के लिए, या फिर वो आप एक रिपोर्ट फॉर्मेट में एक पूरे अपनी जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन होती है वो आप देते हैं और उसमें आपको आप किसी प्रोग्राम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी करते हैं और उसका सोल्यूशन भी देते हैं, ठीक है। तो वही पूरी रिपोर्ट फॉर्मेट, मतलब मेरा जो भी तज्जिया है मैं रिपोर्ट की फॉर्मेट में उसको दे रहा हूँ, मेरा जो भी ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो भी मेरी जो भी वर्किंग है वो रिपोर्ट फॉर्मेट में मुझे देनी है, तो वो टेक्निकल रिपोर्ट फॉर्मेट में मैं दूंगा। काफी डिटेल में मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूँ, मगर जो लोग नहीं थे तो वो इस बात को समझ लें। सलमान कमर, यार माइक का मसला है आपके, मेरे ख्याल है माइक का मसला है इसको, जो सलमान कमर का वो आप इसको डिस्कनेक्ट करके सलमान फिर से कनेक्ट करें तो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो अच्छा सर, सर आपने जो है लास्ट टाइम अभी वीडियो भी तो आपने भेजी है, तो जो स्टूडेंट लास्ट टाइम नहीं आए थे तो यहाँ से तो रीड कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। हाँ लास्ट वो ग्रुप के ऊपर अपडेट है, वो ग्रुप के ऊपर पूरी जो वीडियो है वो अपडेटेड है, तो उसके ऊपर वो आप लोग जो है जो नहीं है वो देख लें। और क्योंकि लास्ट टाइम जो है मैंने जो लेक्चर दिया था वो काफी शॉर्ट ड्यूरेशन का मैं दे पाया था, मैं डिटेल में नहीं दे पाया था, तो मैंने कुछ चीजें जो है ना वो इकट्ठी करी है, तो मैं उसको शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, तो उसको भी थोड़ा सा अपने पास नोट डाउन करें। अच्छा सर, आपने कहाँ शेयर किए लास्ट वीडियो? गूगल क्लासरूम के ऊपर। अच्छा अब ये स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा ये आ गया, व्हाट इज अ टेक्निकल रिपोर्ट? टेक्निकल रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स अ प्रोग्रेस प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ अ साइंटिफिक और टेक्निकल रिसर्च। It also can include some recommendations and conclusions. Technical report may be considered as grey literature because they rarely undergo comprehensive independent peer review before publication. Technical reports are a great source of technical or scientific information. They can be written both for wider and internal distribution. In order to establish novelty, technical reports can be considered as a primary form of scientific paper. My researchers don't want to wait when academic journals publish their work. अच्छा, मैं शुरू से इसको थोड़ा सा आप लोगों को, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करके अब इसके अंदर जो टर्म यूज किए वो प्रोग्रेस की है, प्रोसेस की और रिजल्ट्स की है। मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल में बताया था कि आप ऑब्जर्व करते हैं और उसके अंदर जो आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन होती है फिर रिजर्वेशन बताते हैं अपनी और उसको उस रिपोर्ट फॉर्मेट में पूरा लेकर आते हैं। तो वो रिपोर्ट फॉर्मेट में पूरा उसको लेकर आना जो है वो एक सबसे ये स्क्रीन के ऊपर जो भी कर रहा है ना तो वो बाज आ जाए इस चीज़ से, अपने घर की तरबियत ना बताएं वरना मैं क्लास ख़त्म कर दूंगा ये और एक कोर्स में पूरा ड्रॉप कर दूंगा सेमेस्टर से। भाई कौन कर रहा है यार, यार ये जो भी कर रहा है ना ये रिमोट कर दो भाई प्लीज, ये इसको फौरन खत्म कर दे, मैं कोर्स ड्रॉप कर दूंगा ये। यार ये कौन कर रहा है? ये हर करो यार, टिकट हो गई है सर, प्लीज स्टार्ट करें आप। तो अब इसके 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 अंदर जो जो आपने जो तज्जिया दिया, अभी तज्जिया कहलाता ना पूरा, कि आप उसको रिपोर्ट फॉर्मेट में जो है उसको लेकर आ रहे हैं, तो इस चीज़ को हमेशा से जहन में रखें कि जब भी आप रिपोर्ट फॉर्मेट पे उसको लेकर आ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी है। वो लास्ट टाइम मैंने बताया था, वो लास्ट इसमें देख लेगा, बाकी ये जो मैं आपसे आपसे शेयर करूंगा ये जो है ना ये पूरी मैं उसके ऊपर शेयर कर दूंगा डॉक्यूमेंट जो है, तो काफ़ी आपको चीज़ें नजर आ जाएंगी। अब ये एलिमेंट्स के ऊपर आ जाएंगे, टेक्निकल रिपोर्ट एलिमेंट्स। अ टिपिकल टेक्निकल रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, द टाइटल पेज, द इंट्रोडक्शन, द समरी, एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स, रिजल्ट एंड डिस्कशन, द बॉडी, कंक्लूजन। अच्छा ये देखें, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर इसमें जिस भी उसने ये डॉक्यूमेंट पहले बनाया जिन साहब ने, उसने बेसिक स्ट्रक्चर दिया, ये स्ट्रक्चर वेरी हो सकता है आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, देखें बेसिक मैंने ये कुछ पार्ट इसमें दे दिए, ये टाइटल पेज है, टाइटल पेज जो आपका टाइटल पेज है वो रिपोर्ट का पूरा एक जो होता है ना, आपको टाइटल पेज पता चल जाता है कि रिपोर्ट जो है किस हवाले से रिपोर्ट है। उस टाइटल पेज के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, उस टाइटल पेज पे जो है आप अगर अंदर जो जिस चीज को आपने कवर किया है, जिस टॉपिक को कवर किया है, उस टॉपिक की पिक्चर डालते हैं ऊपर बिल्कुल टॉप पे,
फिर उसको उसी का टाइटल जो है वो पूरा उसके ऊपर लिखते हैं कि ये किस टाइटल, किसका टाइटल क्या रिपोर्ट का, उसका आउटर कौन है, लिखने वाले आप खुद हैं, अपना नाम लिखेंगे कि भाई फला फला टॉपिक पे और रिटन बाय मेरा नाम, तो वो पूरा टाइटल आ गया, वो किस कौन से एडिशन किस ईयर का वो वर्जन है वो उसमें डालेंगे, वो उस पर लिखेंगे भाई ये इस ईयर का वर्जन है। उसमें थोड़ी सी मैं इसको इसके नीचे क्लासीफाई कर देता हूँ इस चीज़ को, ये जैसे पिक्चर आ गई, पिक्चर रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ रिपोर्ट, ये बैकग्राउंड पिक्चर हो गई, ठीक है। अभी मैं सैंपल भी शेयर करता हूँ, मैंने रिपोर्ट पे काम किया वो मैं इसमें शेयर करता हूँ। टाइटल आई है कि रिपोर्ट का जो टाइटल है वो क्या है, किस टॉपिक पे रिपोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो एक चीज आ गई वो आ गया इसका सेशन या फिर वर्जन, फर्स्ट करें 2020 से बन रही तो 2020 आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये हो गया टाइटल, और सबसे पहले आप जिस कंपनी के लिए वो बना रहे हैं उस कंपनी का लोगो भी कहीं ना कहीं वो नीचे आप लगा देंगे, उस कंपनी का नाम और कंपनी का लोगो। फर्स्ट करें भाई आपने कोलगेट पामोलिव, कोलगेट पामोलिव के लिए वो काम किया तो उस रिपोर्ट उसका कंपनी का लोगो लग जाएगा साइड पे। अच्छा, उसके बाद टाइटल के बाद आ गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने जो है वो लास्ट क्लास में इस चीज़ को मैंने बड़ी ब्रीफली बताया था कि इंट्रोडक्शन का जो पॉइंट है वो है बेसिकली कि वो रिपोर्ट जो अंदर है वो इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वो फर्स्ट सेक्शन के अंदर आप उसको ब्रीफ कर देते हैं कि भाई ये रिपोर्ट इसकी इस उसके ऊपर है, अंदर जो भी डिटेल है उसकी वो फर्स्ट फर्स्ट इंट्रोडक्शन में वो आप दे देते हैं, ठीक है। और समरी में भी आप समरी के अंदर भी आप जो है वो इसी तरह का काम करते हैं, मगर वो समरी पूरे रिपोर्ट की एक समरी होती है जो कि आप एक दो पैराग्राफ में एक पेज के ऊपर आप डिफाइन कर देते हैं कि भाई मैंने रिपोर्ट में चीजें कवर कर ली है या हमने इसके ऊपर इस चीज पर रिसर्च की है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स। तो इंट्रोडक्शन और समरी बहुत सेम है ना? नहीं, इंट्रोडक्शन एक चैप्टर है, इंट्रोडक्शन जो है ना वो पूरा एक चैप्टर है, समरी जो है एक डिफरेंट चीज है। समरी आप वो डिफरेंट, वो दो डेढ़ दो पेज की जो है, हां वो एक डेढ़ पेज की जो है वो समरी होती है, ठीक है, समरी होती है, वो एक डेढ़ पेज की समरी होती है। जो एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स होती है वो एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स क्या चीज है कि आपने जो भी अंदर उस रिपोर्ट के लिए काम किया और तो उसके अंदर फर्ज करें मैंने किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मैंने ऑडिटिंग की है और मैंने उसका इंस्पेक्शन किया है, तो वो जो उसके लिए उस इंस्पेक्शन के लिए मैंने जो भी प्रोसेस मैंने किया है तो उस प्रोसेस को मैं उसमें वो करूँगा, जो भी प्रोसेस उसको आइडेंटिफाई करूँगा, एक्सपेरिमेंटल मैंने जो भी मैंने उसमें एक्सपेरिमेंट किया उस इंस्पेक्शन प्रोसेस में वो मैं उसके अंदर राइट डाउन करूँगा, मैंने ये चीज़ें की थी उसमें, ये उसका एक्सपेरिमेंट का उसका रिजल्ट ही आया, रिजल्ट उसमें एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, रिजल्ट नीचे डिस्कशन में करेंगे, रिजल्ट डिस्कशन में भाई ये चीज़ें थी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये इसका रिजल्ट आया और ये हमने प्रोसेस किया था उसका ये रिजल्ट आया, जो भी प्रोसेस करेंगे उसका रिजल्ट रिजल्ट वाले चैप्टर में अलग से लिखा जाता है, ठीक है। तो सर एक तरीके से वही फिर समरी हो जाएगी? नहीं, समरी नहीं है, वो रिजल्ट है, वो स्पेसिफिक तो रिजल्ट है ना, स्पेसिफिक है, ठीक है। एक तो एक समरी तो पूरी पूरी रिपोर्ट का एक वो है, क्या कहते हैं उसको, खुलासा है, खुलासा, ठीक है। ये वर्ड ये इस वर्ड से समझ में आ गया होगा कि रिपोर्ट समरी जो है रिपोर्ट का खुलासा है, जो रिपोर्ट है पूरी वो एक पूरी रिपोर्ट है, उसको मैंने शॉर्ट में शॉर्ट खुलासा कर दिया कि यार रिपोर्ट में जो मैंने लिखा है ना ये चीजें मैंने कवर की है, तो सही है। और जो बॉडी है बॉडी को ये इसमें कहाँ से लेकर आ गया, बॉडी के बीच में। अच्छा देखिए, कंक्लूजन रिजल्ट डिस्कशन के बाद कंक्लूजन आ जाता है कि जो रिजल्ट डिस्कशन हुआ, ठीक है, उसमें आपने जो भी सोल्यूशन है ना, जो प्रॉब्लम का जो भी आइडेंटिफिकेशन की उसकी फिर रेक्टिफिकेशन भी, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, वो भी आपने इसी में देखा। और फिर कंक्लूजन, पूरी रिपोर्ट का कंक्लूजन था कि जो भी मैंने ऑब्जर्वेशन उसमें ली कि भाई ये इसमें मसले मसाइल थे, इसको हमने इस तरह से कंक्लूड किया, और आखिर में अगर मुझे इस काम को मैं समझ रहा हूँ कि हाँ भाई ये काम करने से ठीक हो जाएगा, मसला रिजॉल्व हो जाएगा, तो मैंने उसकी रेजोल्यूशन इस कंक्लूजन में दे दी कि अगर ये कंपनी ये काम कर लेगी या मेरी कंपनी ये मेजर्स तैयार कर लेगी तो ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा, मतलब उस कंक्लूजन में मैंने उसका हल बता दिया शॉर्ट, ये भी शॉर्ट कंक्लूजन भी शॉर्ट होता है, मतलब डिटेल नहीं होता। अगर दूसरे चैप्टर जो है वो दस दस
15 पेज के बन रहे हैं, तो ये क्या दो पेज का है, तीन पेज का होगा, कांग्रेस से ज्यादा लंबा नहीं होगा। क्योंकि कंक्लूड करना है ना, कंक्लूड करना जो है उसको कहते हैं कि बस उसको जो है ना वो कर दो, समराइज सम, वो कर दो, सम अप कर दो उसको, तो वो सम अप करते हैं कंक्लूजन के अंदर। अच्छा अब मैं एक रिपोर्ट का एक फॉर्मेट आपको शेयर करता हूँ, ये पूरा मैं आप लोगों को दूंगा, इसमें आप देख लेगा, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा। सर स्पीकर बंद करवा दें, कौन है? यार हमजा स्पीकर बंद करो, तुम्हारा बच्चा रो रहा है। हफीज देख के बोलो। अच्छा देखें अब ये जो स्क्रीन आ रही है इसके ऊपर ये, अच्छा देखें इसको ये स्क्रीन जो है इस पे इसके ऊपर आ रही है नहीं आ रही है? मैं माइक खोल दूं तो पता चल जाएगा। आ रही है सर। आ रही है ना? जी आ रही है। अच्छा देखें ये जो है ना, मैंने इसको खोल से खोलना। अच्छा देखें ये जो ये एक चार्ट है, इस चार्ट को डिफाइन किया गया है कि इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कितने टाइप की रिपोर्ट होती है। तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट जो है इसमें हमने इसको वो किया है, ऊपर ब्रीफिंग लिखी हुई है, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग और साइंटिफिक रिपोर्ट, हर चीज़ की कई किस्म की डेफिनेशन हो सकती हैं, और इसमें वही चीज़ तकरीबन लिखी हुई है, प्रोसेस प्रोग्रेस और रिजल्ट्स ऑफ टेक्निकल साइंटिफिक रिसर्च, ये वही चीज़ है तकरीबन। अच्छा देखें अब इसके अंदर टेक्निकल रिपोर्ट की एक टाइप है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है कि मैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, या मैं हाँ कोई भी काम मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, तो उसकी फिजिबिलिटी मैं बना के दूंगा कि ये किस तरह फिजिबल, फिजिबल जो वर्ड है उसको टर्म, वो टर्म किस लिए यूज की जाती है फिजिबल, कि किसी काम को किस तरह से मुमकिन बनाना है, ठीक है, किसी काम को किस तरह से मुमकिन बनाना है, तो उसकी पूरी रिपोर्ट होती है ये। उसके अंदर जो चीज़ें कवर होती हैं उसके अंदर आप जो है पूरा, अगर फर्ज करें मैं सोलर सिस्टम एक लगाने के लिए जा रहा हूँ किसी भी जगह पे, तो सोलर सिस्टम की मैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दूंगा कि भाई आपकी जगह जो है वो इस इतनी बड़ी है, जो भी रूफ टॉप है वो इतना बड़ा है, उसकी ये कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में ये चीज़ें इतने इतने सिस्टम, इतना इतना सिस्टम लग सकता है, इतने किलोवाट का या इतने मेगावाट का, तो वो आपको वो उसकी फिजिबिलिटी बना के दूंगा मैं कि इसमें पूरी डिटेल डालूंगा मैं, कितने पैनल्स लगेंगे, वो फिजिबिलिटी, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहलाती है, एक तरीके से प्रपोजल भी है, मगर उसका जो जो बेटर उसकी टर्म है वो है फिजिबिलिटी फॉर्मेट, उसको फिजिबिलिटी फॉर्मेट बोलते हैं उसको, किस तरह, क्योंकि काफी डिटेल्ड होती है ये बहुत डिटेल्ड होती है, इसके अंदर आप हर चीज को डिस्कस करते हैं, ये चीज को टेक्निकल चीज को डिस्कस करते हैं और बताते हैं किस तरह से ये चीज फिजिबल हो सकती है, ये किस तरह से ये पॉसिबिलिटी है कि इसको फिजिबल बनाया जा सकता है, ठीक है। बैकग्राउंड रिपोर्ट इंटेंडेड टू प्रोवाइड बैकग्राउंड डिटेल्स इन अ टेक्निकल रिपोर्ट फोकस ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक मीटिंग स्पेसिफिक ऑडियंस नीड्स और two essential infrastructure of the background report are definition and classification. अच्छा देखें background report का भी इसी तरह से है कि ये background report specific audience के लिए आप बनाते हैं, मतलब फर्ज करें कि मैंने किसी एक पर पांच department है, ठीक है, पांच department में से मुझे मेरे पास मैं चार department मेरे चार मतलब पांचों मेरे अंडर हैं, उनमें से मुझे किसी एक को specific को report करना है, तो उसका जो भी background है उसको उसके background को मैं वो करूंगा, मुफीज ने एंड्रेस किया, मुफीज जी माइक खुला है, मुफीज का बंद है, मुफीज का बंद है सर, मुफीज का तो मुफीज का बंद है। जी मुफीज, जी बोले, मुफीज जी सर बोले,
सर मैं ये पूछ रहा था कि ये क्लास की जो है रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या? रिकॉर्डिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। सर रिकॉर्डिंग का ऊपर आइकन आ रहा है, लेकिन बाद में जब क्लास लेने के बाद भी अगर कुछ चीजें देखना चाहे ना तो रिकॉर्डेड नहीं हो रही होती। नहीं नहीं होती है, जब पॉज करते हैं ना वो, जब पॉज होती है, वरना पूरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है। सर तो गलती से हैंड रेज हो गया, वो कर नहीं रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है। तो अब वो स्पेसिफिक ऑडियंस को जब आप टारगेट करते हैं तो वो बैकग्राउंड रिपोर्ट के थ्रू करते हैं। उस बैकग्राउंड रिपोर्ट को आप जो है उनको, उस स्पेसिफिक ऑडियंस को आप देते हैं कि मुझे, मैं पांचों डिपार्टमेंट से वो रिपोर्ट शेयर नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए फर्स्ट करें, मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जीएम को वो रिपोर्ट दे रहा हूँ, ठीक है। मैं हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर हूँ, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर के अंडर तो सारे डिपार्टमेंट आ रहे होते हैं, तो मैं स्पेसिफिक टू इसको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जीएम को रिपोर्ट दे रहा हूँ, तो मैं उसको टारगेट करके वो रिपोर्ट बनाऊंगा कि सर जी आपके डिपार्टमेंट के हवाले से रिपोर्ट है और आपके डिपार्टमेंट में ये इश्यूज है, ठीक है। वो स्पेसिफिक टू द डिपार्टमेंट रहेगी, स्पेसिफिक टू ऑडियंस रहेगी, स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए। बिजनेस प्लान्स भी फिर यही चीज़ है, एक तरह से फिजिबिलिटी रिपोर्ट की जो है वो सब कह सकते हैं उसकी जैसी रिपोर्ट है, उसकी वो है रिपीटेटिव फॉर्मेट है, मगर ये कि बिजनेस प्लान में आप जर्नलाइज डिस्कशन करते हैं, बहुत डिटेल में डेप्थ में नहीं जाते हैं, सही है। आप प्रपोजल देते हैं, इसके अंदर प्रपोजल का एक समझ लें कि एक दूसरा नाम है बिजनेस प्लान, तो उसके अंदर आप बिजनेस प्लान में ज़्यादातर फाइनेंसिस का डिस्कशन होता है कि जो ज्यादातर फाइनेंशियल डिस्कशन ज्यादा होता है कि किस तरह से इसमें जो है ना वो कितनी अर्निंग हो रही है, अर्निंग का डिस्कशन होगा कि कितनी कमाई इसमें हमें होने वाली है, और वो जो प्रॉफिट और लॉस का डिस्कशन ज्यादातर होगा वो बिजनेस प्लान होता है, ठीक है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपने अक्सर देखा होगा कि आपके अभी कभी भी आप मोबाइल फोन खरीदते हैं या कोई और दूसरा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ एक वो आता है, मैनुअल आता है, ठीक है, मैनुअल आता है, तो वो मैनुअल जो होता है वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का एक डॉक्यूमेंट है, तो उस डॉक्यूमेंट को उसके ऊपर सारी, जैसे कि ये बहुत वाजे लिखा हुआ है, दीज डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट डिस्क्रिप्टिव एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, तो उसको, उस चीज को ऑपरेट किस तरह किया जाता है, उसके अंदर जो उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, उसकी स्पीड है, उसकी मेमोरी है, उसकी जो पावर सप्लाई है, ये सब उसके ऊपर लिखी हुई होती है, वो उसका पूरा एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको उसको असेंबल करना बताता है या तो फिर उसको ऑपरेट करना बताता है, तो वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, वो भी टेक्निकल रिपोर्ट है, वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हवाले से आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। सर इसमें यह क्या मतलब, कोई भी हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसकी जो हर चीज है वो रिपोर्ट हम एक बना के, मतलब उसमें एक टू से टू किस तरह इसके ऑपरेट हो रहा है, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे हैं, उसका प्रोसेस क्या है, वो सब हम इसमें इस रिपोर्ट में बताएंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में। इधर फिर बोलिएगा, मैं कह रहा हूँ सर कि जो भी हमने मतलब कोई ऑब्जेक्ट बनाया उसमें जो जो मतलब इक्विपमेंट यूज हुए हैं वो सब चीजें हम इस टेक्निकल रिपोर्ट में बताएंगे। हम फर्ज करें कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, सर मैंने अभी ये पावर बैंक बनाया, जैसे मैंने अभी सर ये पावर बैंक ही बनाया था, तो इसकी हॉर्स पावर वगैरह क्या है, इसमें कौन से सेल यूज हुए हैं, ये इसकी जो इक्विपमेंट कौन कौन से यूज हुए हैं, वो सब चीजें वो इस रिपोर्ट में आएंगी, स्पेसिफिक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में आएंगी, बिल्कुल, उसके अंदर आप उसके ऑपरेशन का तरीका भी डालेंगे और उसको प्रोसेस भी बताएंगे, बिल्कुल, जो कंपोनेंट है वो भी डालेंगे, ऑपरेशन प्रोसेस भी बताएंगे उसका, और उसके कंपोनेंट की स्पेसिफिकेशन और उसकी जो भी उसकी वो है वैल्यूज है वो आप उसमें डालते हैं, तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं आप, वो जो आपने रिपोर्ट बनाई होगी उसको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की रिपोर्ट है। अच्छा सर कॉस्ट भी मेंशन करते हैं? कॉस्ट कर सकते हैं मगर वो फिर वही बात है ना, वो उसके अंदर जो है वो फिर आप जो कॉस्ट डालेंगे ना तो फिर आप वो डाल सकते हैं, मगर वो है कि वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन का जो मतलब है ना, स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिक है, समझ रहे हैं आप, वो फिर बिजनेस में आ जाएगी ना, कॉस्ट वगैरह जो भी होगा फिर उसका बिजनेस प्लान में भी आप चीजें डालते हैं, बिल्कुल, फिजिबिलिटी रिपोर्ट में भी, बिल्कुल, अब देखें जो उसकी जो असल शक्ल जो के कामरान बोल रहे हैं उसमें ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आती है चीज ना, कि आपने बताया कि ये कंपोनेंट में सोलर सिस्टम बनाने लगाने के लिए जा रहा हूँ, उसमें ये कंपोनेंट लगने वाले हैं, ये चीजें, इतने सोलर पैनल यूज होंगे, इतनी बैटरीज यूज होंगी, इतनी दूसरी चीजें यूज होंगी, और उसकी ये कॉस्ट है,
वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आप डालते हैं चीजें, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट में काफी डेप्थ होती है, काफी डिटेल रिपोर्ट। सर फिजिबिलिटी रिपोर्ट सर एंड में एक मतलब समझा रहे हैं, असल में सर मैंने थोड़ा नेट की इशू चलना, उसके बाद से आपने जो रिपोर्ट बताई थी वो तो मैंने क्लियर हो गई थी। ठीक है मैं शेयर कर लूंगा, बनी भी है एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट मेरे पास है, उसकी जो थर्मल सोलर होता है ना, जो थर्मल सोलर गीजर्स जो होते हैं उसकी मैंने बनाई थी एक जमाने में, तो वो मेरे पास है, वो मैं शेयर कर लूंगा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट है सोलर थर्मल की। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली किसी कंपनी की तरफ से, मैंने खुद उनको अप्रोच किया या उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि यार हमारे पास ये गुंजाइश मौजूद है सोलर सिस्टम लगाने की, हम परेशान है अपने हम बिल से बड़े परेशान है, 1,00,000 रुपए का बिल आ रहा है इलेक्ट्रिक का, अब आप हमारे पास आके जो है यार ये सोलर सिस्टम हमें दे दें, हम मैन्युफैक्चरर हैं, आप लगाते हैं, मतलब आप वो है सोल्यूशन प्रोवाइडर है सोलर के, आप हमारे पास सोलर सिस्टम लगाते हैं। ठीक है अब मैं वहाँ जाऊंगा, सेटिस्फेक्शन करूंगा पूरा, मैं उसमें सब पर्टिकुलर जो मेरी चेकलिस्ट जो भी है, मैं वो जाके उस चेकलिस्ट के हवाले से उसकी पूरी मॉनिटरिंग करूंगा, पूरा इंस्पेक्शन करूंगा साइट का, फिर मैं उसमें अब जब मैं उसकी रिपोर्ट बनाने, फिर वो मुझे बोलेंगे कि भाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दे दें, अब उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर मैं ये सब चीजें नोट डाउन करूंगा कि हाँ यार वो 100 गज की छत थी, 120 गज की वो छत थी और उसके ऊपर इतने इतने स्ट्रक्चर लग सकते हैं, इतनी इतनी सोलर पैनल उस पर लग सकते हैं, इतनी इतनी बैटरी लग सकती है, इतनी उसकी वायरिंग वहां पर यूज होगी, इतना उनका बिल, अभी उनका बिल इतना आता है, इतना सिस्टम वो लगा लेंगे तो उनका बिल इतना कम हो जाएगा और इतनी इतनी पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इतनी सोलर से बनेगी, इतनी जो है वो इतने किलोवाट सोलर से बनेगा और इतना किलोवाट जो है बनेगा उससे कि इलेक्ट्रिक से हमको लेना पड़ेगा, और तो उसके अंदर वो पूरी फिजिबिलिटी आएगी। ठीक है वो सारी चीजें आ जाएंगी, फिर उसमें उसकी कॉस्टिंग कितनी लग रही है, अभी सोलर पैनल में सोलर पैनल इतने के आ रहे हैं, स्ट्रक्चर इतने के आ रहे हैं, बैटरीज इतने की आ रही है, इसके अलावा जो है वो केबलिंग है ये इतनी की आ रही है, मिसलिनियस आइटम जितने भी उसमें यूज होते हैं स्क्रू विस्क्रू वो इतने के आ रहे हैं, सर्विसेज चार्जेस मेरे इतने हैं। ठीक है उसके बाद जो है वो अच्छा के इलेक्ट्रिक का कितना बिल बन रहा है, तो ये चीजें जब इंक्लूड हो जाएंगी उसके अंदर, तो के इलेक्ट्रिक का बिल कितना रिड्यूस हो जाएगा वो भी मैं डालूंगा उसके, वो अमाउंट भी मैं उसमें शेयर करूंगा। उसके बाद मतलब A to Z जो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है A to Z या वो सब फिजिबिलिटी में आएगा, फिजिबिलिटी तो मैं अपना अपने प्रोडक्ट की तो तारीफ कर रहा हूं उसके अंदर, वो बता रहा हूं तारीफ कर रहा हूं बिल्कुल, चीजें तो मैं उसमें डाल रहा हूं बिल्कुल, मगर मैं उसकी जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना वो भी उसमें शेयर कर रहा हूं, उसको रिपोर्ट में वो भी चीज मैं डाल रहा हूं ताकि वो अगला जो बंदा जो रिपोर्ट पढ़ रहा है तो उसको पूरी डिटेल मिले मेरे प्रोजेक्ट की, मेरे प्रोजेक्ट से वो 110% सेटिस्फाइड हो जाए कि इसमें जो है ना ये मेरा काम जो, यार एक सेकंड इसको मैं पॉज कर रहा हूँ, नादरी बोला एक सेकंड। अच्छा देखें इसमें जो आगे का वो डिस्कशन कर लेते हैं टॉपिक, क्योंकि फिर क्लास का टाइम जो है वो एक्सीड हो जाएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी, मैं फिर क्लास के बाद फिर और जो इशूज हैं उसको डिस्कस कर लेंगे, तो पहले क्लास रिकॉर्ड कर लूँ सारी। अच्छा अब ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम जो स्टूडेंट और स्टूडेंट लेवल पे हम करते हैं वो है रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट जो है वो इसके अंदर जब आप फाइनल ईयर में आएंगे सबसे बड़ी रिसर्च रिपोर्ट आप उस वक्त बनाएंगे जब आप अपनी थीसिस कर रहे होंगे, थीसिस के अंदर रिसर्च का क्या मतलब है, रिसर्च का मतलब ये है कि कोई काम ऐसा जो पहले ना हुआ, ठीक है जो जो ऐसी तहकीक जो पहले ना हुई हो उसको रिसर्च कहते हैं, तो तहकीक करना innovation, सर। जी हाँ इनोवेशन, इनोवेशन तो जिद्दत की एक टर्म है, इनोवेशन तो जिद्दत के लिए यूज होता है, रिसर्च का मतलब है तहकीक, तहकीक उसको रिसर्च, रिसर्च का किसी जो काम जो तहकीक पहले कभी नहीं हुई वो फर्स्ट टाइम जो हो रही है वो तहकीक है और उसके लिए आप रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, तो उस रिसर्च रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो मद्देनजर रखनी पड़ती है, मैं पहले पॉइंट्स इसमें करता हूँ, प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स, findings curled for researches both from laboratories and certain field, content of report in is actual work someone does in a laboratory or enough in the field consisting of data conclusion methodology and background on the problem to make reader can easily understand the purpose and research of result, acha result of research, isme dekhen aisa koi kaam jo pehle nahi hua to main uski research kar raha hu to usko main report form mein kaise lekar aaunga, उसके अंदर कुछ पॉइंट होते हैं जैसे कि मैं भी रिसर्च रिपोर्ट जो कुछ मेरे पास है वो मैं शेयर करूंगा, कुछ ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा, उसके अंदर आपको वो सब चीज़ें काफ़ी क्लियरली उसमें नजर आ जाएंगी।
मैंने कोई चीज अब फर्ज करें कि जैन ने जो है वो मोबाइल चार्जर जो सोलर चार्जर से बैटरी बैंक बनाया था उसने वो इन्वेंट की वो चीज, उसको फर्ज करें कि उसको अगर एक पहले 10 क्या कहते हैं उसको 10 एम्पेयर आर 10 मिली एम्पेयर आर होता है ना 10,000 एम्पेयर आर होता है वो, तो वो अगर वो पहले जो है वो 10,000 मिली एम्पेयर आर का जो है पहले अगर वो नहीं बना है और जैन ने बनाया है तो वो रिसर्च है, ठीक है, वो एक इनोवेशन है, तो उस इनोवेशन को वो रिपोर्ट फॉर्म में लेकर आएगा, ठीक है, वो उसको रिपोर्ट फॉर्म में लेकर आएगा कैसे, उस चीज की सारी स्पेसिफिकेशन, उसको उसकी पहले हिस्ट्री क्या है वो डालेगा उसके अंदर, वो उसका बैकग्राउंड क्या है वो डालेगा कि भाई मोबाइल चार्जर जो होता है सोलर जो पावर बैंक होता है उसकी पहले की क्या स्टेटस है, वो पहले किस तरह के बनते थे, वो कितने कहाँ